दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल पर हर रोज कोई न कोई नए आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर फिजूल खर्चे के फिर भी आरोप लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की 11 फरवरी को दी गई पार्टी में एक थाली की कीमत 12,000 से ज़्यादा लगाई थी और अगले ही दिन यानी 12 फरवरी को दिए गए लंच में थाली की कीमत 16,000 दिखाई गई थी। 16,025 रुपया प्रत्येक थाली पर 12 तारीख को खर्च हुआ और 11 तारीख को जो 50 मेहमान थे उनकी थाली पर 12,800 के करीब खर्च हुआ, यानी कि लगभग 3,255 रुपया एक दिन के बाद होने वाले भोजन की थाली पर बढ़ गया। और अगर हम टोटल कर लें दोनों दिन की थालियों का तो 80 थाली और लगभग 11 लाख रुपया और उसका एवरेज बनता है 13,805 रुपया पर थाली। गरीबों की बात करने वाले ऐसे कौन से आलीशान मेहमान उनके घर आए थे जिन पर उन्होंने थाली में ऐसा क्या परोसा था कि जिस पर 13,805 रुपया प्रत्येक मेहमान के को खाने पर आपने खर्च किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने निजी कानूनी मसलों पर दिल्ली की जनता का पैसा खर्च करना चाहते हैं। सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया है, किस प्रकार से अपने अलग अलग खर्चों को सरकारी खजाने से देने की योजना बनाई और एक के बाद एक लगातार जो अखबारों में खबरें आ रही हैं, पहले पता चला कि कानूनी वकीलों के बड़े बड़े बिल जो व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगे हैं, उसके बिल सरकारी खजाने से देने की कोशिश हुई।